सामाजिक सेवा से जुड़ी महिला साहित्यकार संस्था ने रविवार को स्थापना दिवस मनाया। पांटा साहिब के गोयल धर्मशाला में आयोजित इस समारोह में कवि व साहित्यकारों सहित समाज के सभी वर्गों से कई हस्तियां पहुंची। कार्यक्रम में समाज सेविका रेवती उप्रेती बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की सुप्रसिद्ध रचनाकार शबनम शर्मा ने की। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश गोयल व जाने माने उद्योगपति व समाज सेवी ज्ञानचंद गोयल बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महिला साहित्यकारों व विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रतिभाओं को सम्मान दिया गया। साथ ही कई कवित्रियों व महिला साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। जिस तरह से सब लोगों ने इस कार्यक्रम को आनंद पूर्वक सुना है और सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सारे कार्यक्रम का आनंद उठाया है, कार्यक्रम इसे ही बोलते हैं। और मैं आप सब लोगों को और स्पेशली शिवा आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपका ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम है। हम ये बताना चाह रहे थे कि आज हमारी इस संस्था की स्थापना हुई थी, हमारा ये स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस को हम सब वर्गों से जोड़ पाए, हम सब लोगों से जोड़ पाए, जिन्हें मिलकर हमें इतनी खुशी हुई है और जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हुआ है। कवि सम्मेलन या छोटी मोटी रचनाएं हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जिसमें सब कुछ हम लोगों को बैठने को मिला, बैठकर मिला कि एक समाज सेवी है और एक वो बच्चा कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कितना आर्ट उसके अंदर छुपा हुआ है, तो ऐसा कार्यक्रम शायद मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। और इसलिए मैं सबको बधाई देती हूँ और मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ, मेरे मंच पर बैठने वालों की, सामने बैठने वालों की, और ये उम्मीद करूँगी कि आगे हमारे जैसे भी लोग आए, जितने भी लोग आए, इसी दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट।